इसे हम गुंडा बाबू बोलते हैं, सुशासन बाबू। नीतीश कुमार के ये सुशासन नहीं, ये लुटासन और कुटासन की सरकार है। इसलिए जो है कि इसे नीतीश कुमार को बिहार के अब विधायक नहीं, बिहार के जनता, एक एक जनता रोड पर आएगी और नीतीश कुमार को ईंट से ईंट बजा देने के काम करेगी ना। हिंदुस्तान से प्रजातंत्र को खत्म करने का सांठगांठ है और अब जनता उतर गई है रोड पर। अब रोड से लेकर सदन तक हम लोग विरोध पर उतर गए हैं, विरोध करेंगे। और आरएसएस के गोद में बैठ करके नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं जो पूरे हिंदुस्तान पर राजतंत्र कायम करे, ये हम लोग कभी नहीं होने देंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रकाश न्यूज लाइव के तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। अभी हम सुधा डेयरी के पास का ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं आरजेडी के पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। 8 बजे से पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया गया है। वही आपको बता दें कि 23 तारीख को पटना में जो घटना घटी थी जिसमें कई लोग जख्मी हुए थे, उसके बाद से पूरे राजद कार्यकर्ता में आक्रोश देखा जा रहा था, जिसके बाद अभी पूरी तरह से रोड जाम कर दिया गया है। और यहाँ पर खासकर आपको बता दें कि एम्बुलेंस को जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय भी मौजूद है। और आपको बता दें कि लगातार आरजेडी के द्वारा, उनके कार्यकर्ता के द्वारा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मांगों को लेकर यहाँ पर रोड जाम कर दिया गया हुआ है। जो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर लोग पूरे जो आरजेडी के हैं और युवा के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद है, और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ को लेकर अभी जाम किए, क्या कुछ अभी जाम किए। हम लोग जो आज जाम किए हैं हाईवे, इसमें हम लोग जो है कि से किसान हैं और 26 तारीख को जो किसान मोर्चा अनाउंस किया था बंदी का, इसी के हिसाब किताब पर हम लोगों ने समर्थन में बंदी को किया है। आज बिहार में जो स्थिति पैदा कर दिया है नीतीश कुमार, इसके खिलाफ़ में भी हम लोग इस बंदी में हैं। आप देखे होइएगा या पूरे दुनिया के लोगों ने देखा है, पूरे दुनिया के लोग देखा है कि बिहार के विधानसभा में जो नंगा नाच किया गया, विरोधी दल के विधायकों को पीटा गया, ये विधायक महिला है या पुरुष है इसको भी पुलिस वाले नहीं समझे। चूँकि बिहार में जो स्थिति पैदा हो चुका है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये गुंडा राज चल रहा है। और ये गुंडा राज नीतीश कुमार का कैसा गुंडा राज आप कह रहे हैं? इसलिए गुंडा राज कहते हैं कि आप देखे होइएगा कि गोपालगंज बॉर्डर पर भी साधारण से साधारण मधुमक्खी पालन के करने वाले जो हमारे छोटे मोटे किसान हैं, उनको भी घेर कर लाठी से पीटा जाता है और उनसे पैसे उसके पॉकेट से छीन लिया जाता है अगर पैसा नहीं देता है। तो आप इस बात को कम से कम जरूर समझिए कि ये गुंडा ही नहीं है तो और क्या है। बिहार में कहीं भी चले जाइए, ट्रक वाले को घेर करके उसको पीट पाट करके उसके पैसे छीन लिया जाता है। ये गुंडा राज नहीं है तो क्या ये माने लोकतंत्र है? इसे हम गुंडा बाबू बोलते हैं, सुशासन बाबू। नीतीश कुमार के ये सुशासन नहीं, ये लुटासन और कुटासन की सरकार है। इसलिए जो है कि इसे नीतीश कुमार को बिहार के अब विधायक नहीं, बिहार के जनता, एक एक जनता रोड पर आएगी और नीतीश कुमार को ईंट से ईंट बजा देने के काम करेगी। और ये समझ लीजिए कि आज जो बिहार की स्थिति नीतीश कुमार ने बना दिया है और केंद्र के सरकार जो है किसे मोदी जी का सरकार ने बनाया है कि रोड पर लोग आ चुका है, पॉकेट में पैसा नहीं है, वो क्या खाएंगे? किसान के पास जो है किसे खेती करने के उपाय नहीं है। किसान के लिए कृषि बिल ला करके 3 कानून उन्होंने लाया है, जो गर्दन में फांसी डालने वाला व्यवस्था उन्होंने कर दिया है। इसलिए केंद्र सरकार को जब तक ले और बिहार सरकार को जब तक नेस्तनाबूद नहीं करती है बिहार के जनता, तब तक के जो है कि इसे दम नहीं लेगी। मेरा नाम हुआ मोहम्मद सरफुद्दीन, भारतीय मधुमक्खी पालक यूनियन अध्यक्ष और आरजेडी कार्यकर्ता हूं मैं। क्या कुछ कहेंगे आज जो बंद?
बंदी किया गया है यहाँ पे? अभी आप लोग इतना धूप में ठहरा है यहाँ पर। बंदी आज के इतिहास देख लीजिए, पीछे के इतिहास देखिए। हम लोग गए थे वहाँ विधानसभा घेराव करने पटना, पुलिस के बर्बरता इतना इतना बर्बरतापूर्ण कार्यक्रम किया वो, ये जहाँ पर लोग को भागने की जगह नहीं थी वहाँ पर पकड़ पकड़ के पीटा है और पुलिस चलाया। गए थे आप वहाँ? गए थे वहाँ, मार भी खाए हैं भाई। ऐसा स्थिति बना दिया ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार, ये दोनों गोरे का सांठगांठ जो है ना, हिंदुस्तान से प्रजातंत्र को ख़त्म करने का सांठगांठ है। और अब जनता उतर गई है रोड पर, अब रोड से लेकर सदन तक हम लोग विरोध पर उतर गए हैं, विरोध करेंगे। और आरएसएस के गोद में बैठ करके नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं जो पूरे हिंदुस्तान पर राजतंत्र कायम करे, ये हम लोग कभी नहीं होने देंगे, मरते दम तक नहीं होने देंगे। ये क्या यहाँ हिंदुस्तान है? यहाँ हिंदू मुस्लिम सब समान है, सब सिख ईसाई सब बराबर है। यहाँ क्या जात धर्म का राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी? क्या धर्म का राजनीति करते हैं? फूट डालो, राज करो, ये नहीं चलेगा। अब हिंदुस्तान का लोग एक हो गया है, पूरा हिंदुस्तान की जनता समझ गई है नरेंद्र मोदी के चाल को और नीतीश कुमार के चाल को। उनको किसी तरह से सत्ता चाहिए, चाहे इसके लिए आप लोग आंदोलन करते हैं मगर इस पर सरकार कोई अति पहल नहीं करती। सरकार आंदोलन निकम्मी सरकार है। अब हम लोग आत्मदाह करेंगे भाई, अगर अगर ये नहीं संभला सरकार, अगर ये नहीं संभला नीतीश कुमार और नहीं संभले नरेंद्र मोदी, तो हम रोड पर आत्मदाह करेंगे। हम राष्ट्रीय जनता दल का पूरा आज के डेट में जितना खून में उबाल है, आप देखते जाइएगा क्या क्या होता है नीतीश कुमार के विरोध में और नरेंद्र मोदी के विरोध में। जानते हैं क्या कहेंगे सर, आज जो बंदी कर रहे हैं इतना धूप में है और कहने के लिए जनता कहिए रही है, कहेंगे यही कि आज तो किसान मजदूर नौजवान की तरफ से बंद है, भारत बंद है और किसानों के समर्थन में बंद है। और ये केंद्र में और राज्य में जो सरकार जुल्म ढा रही है, रुक रहा तो जो ये आज का बंद है ये किसान के समर्थन में मूल रूप से, बाकी महागठबंधन को इसको इसका समर्थन है इस बंद को। तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं 3 महीने से ऊपर हो गया, इसे किसान के समर्थन में आज बंद है संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से, और महागठबंधन को इसका पूरा समर्थन है कि इस बंद को रोड पर आएंगे। दूसरा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या नौजवान गए थे 23 तारीख को पटना में, बेरोजगार नौजवान रोजगार मांगने उन पर लाठियां चला, वो भी एक अन्यायपूर्ण घटना है। तो इस सब को लेकर आज भारत बंद है और सब लोगों का सहयोग है। हम सब लोगों से अपील करेंगे, नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से, ट्रक बस चालक भाइयों से, रोड पर चलने वाले लोगों से, इस बंद को किसान के मुद्दे पर अन्न पैदा करने वाले के साथ समर्थन में खड़ा होइए और इस आंदोलन को मजबूत कीजिए और आज ये बंद रहेगा। आगे अगर सरकार इसके बावजूद भी नहीं मानती है तो कहते हैं नौजवान आंदोलनकारी अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, तो इससे भी बड़ी लड़ाई, मजबूत लड़ाई इस केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। यही है आज का नाम। मेरा महेश कुमार चौधरी है, मैं किसान मोर्चे का कांटी का नेता हूँ। अब साफ तौर पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से चक्का जाम है, आरजेडी के कार्यकर्ता और अन्य घटक दल के भी लोग यहाँ पर मौजूद है और तस्वीरें आपको साझा कर रहे हैं। और देख सकते हैं पूरी तरह से लगभग 8 बजे से समय के बाद से पूरी तरह से रोड जाम था और वहाँ का भी लाइव तस्वीरें अभी आपको दिखाने का कोशिश किए थे, उसके बाद अभी का तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं लोगों को आप लंबी कतार लगा हुआ है गाड़ी का और तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। आगे अपडेट पाने के लिए चैनल पर बने रहे ताकि हर एक खबर जनता है कुछ इनसे भी जनता से बात कीजिए। देखिए हम लोग रोड पे पानी बगैर खाने बगैर प्यासे मर रहे हैं, इतना परेशानी में हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। सुबह से 9 बजे से जाना है। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? दिल्ली से आ रहे हैं, हम लोग को जाना है दरभंगा मधुबनी। ठीक है, हम लोग इतने परेशान है। हाँ सारे जयपुर से सुबह 9 बजे से यहाँ वेट कर रहा हूँ, फंसा हुआ है, जाना है दरभंगा। इतना परेशानी है कि हम लोग पानी तक नहीं पी पाते हैं। ठीक है, और यहाँ का मुख्यमंत्री हमारे गरीब के लिए कुछ नहीं करता है,
बेरोजगार नहीं दे रहा है, हम लोग दिल्ली प्रदेश जाते हैं। आप इसका समर्थन कर रहे हैं अभी जो? हाँ, समर्थन में है, समर्थन में। हाँ, और देख सकते हैं जो यात्री भी हैं वो भी समर्थन में उतर चुके हैं, जो यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं जिनको जाना था वो भी यहाँ पे समर्थन में उतर रहे हैं। और लोग अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह से लंबी कतार आपको देखने को मिलेगा। और आगे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक खबर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे, और कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा खबर। तब तक ले इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।